पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, आई एम जस्ट शेयरिंग माइन, मतलब मैंने क्या किया, ठीक है। मैं क्या करती थी, जैसे मेरा शेड्यूल क्या होता था कि मैं एक मतलब एक टॉपिक उठाती थी, मतलब एक सिलेबस का, जैसे जीएस वन है तो अगर मैंने जीएस वन उठाया तो मैं पहले हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी। कई बच्चे मतलब टॉपर्स ऐसे भी करते हैं, कोई दो सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मतलब आप पॉलिटी के साथ हिस्ट्री कर रहे हैं या ज्योग्राफी कर रहे हैं, वो आपकी क्लासेस चलती होंगी तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं ऐसे करती थी कि एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के साथ हमारा करंट अफेयर्स भी चल रहा है, न्यूज़पेपर भी चल रहा है, फिर रिविजन भी करना है, तो मुझे लगता है कि मैं एक मतलब एक सब्जेक्ट लेके चलती थी। जैसे मेरा हिस्ट्री शुरू हुआ तो जैसे पहले एनसीईआरटी शुरू की मैंने, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो शुरू की, उसके बाद दोबारा से रिविजन किया। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे ये कि आपको एक सब्जेक्ट शुरू करना है या दो सब्जेक्ट शुरू करने हैं, पर मैंने एक सब्जेक्ट शुरू किया था। मतलब बीच में अगर कुछ मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं छोड़ देती थी।